हेलो दोस्तों, आज हम कुछ आपके लिए स्पेशल लाए हैं, एक पतंग का बैग तैयार होते हुए। और इसमें आप देखिए, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन की पतंगे जाती हुई। कुछ एक पतंगे इसमें जो हैं वो रुकी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। कौवे हैं, लोचीले और बहुत ही साफ कमानी ठड्डे। और ये देखिए, ये हमारे बैग से 4-5 पतंग ऊपर वाली निकली हुई है। और ये देखिए आप, कितनी अच्छी रुकी हुई पतंग, ये देखिए क्वालिटी। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये रेडी टू यूज़ हो गई हैं। और इसके बाद अद्धी मत डालो, पहले पौनी डालो। इसके बाद आपको दिखाते हैं कलीदार पौना। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे एक खास दोस्त ने बना के दी थी। और ये कलीदार पौना है दोस्तों, पौनी से बड़ा साइज़ है। और फरमा देखिए आप, जिन भाइयों को फरमा नहीं समझ में आया अभी भी, वो इधर देख सकते हैं, ये है इसका फरमा दोस्तों। ये पौना कलीदार, और जिसको ऐसा लग रहा हो कि उसमें सफाई नहीं है, तो आप ये देखिए कहाँ जा रहा है भाई। तो दोस्तों ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया कलीदार पौना। और दोस्तों ये सब चीज़ें आपको मैं जो दे रहा हूँ, ये अच्छी तरीके से, क्योंकि जब ये आई थी तब ये बैंड भी नहीं होती थी, हमसे भी नहीं मुड़ती थी, तो ये रोक के पतंगे आपको दी जा रही है। इतना नहीं, इतने में फट जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से रखो, क्योंकि काफ़ी दूर तक जाना है। तो दोस्तों ये जो बैग तैयार हो रहा है, हमारे गुप्ता जी का बैग है। ये देखिए पतंगे जो इनके जा रही हैं, बहुत ही बढ़िया। मेरे को लग रहा है दोबारा सेट भी करनी पड़ेगी मुझे। रखिए आप इसको यहाँ पे। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ। घुटाई में कुछ पतंगे हैं, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ। और अब शायद आपको थोड़ा पूरा वीडियो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कई बार हम इतना क्लोज हो जाते हैं पतंगे की कवर नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत ही बढ़िया शानदार कलेक्शन। और थोड़ी सी ये पतंगियाँ मेरे पास ख़त्म होती हुई दोस्तों। तो जिस भी भाई ने ये कलेक्शन करा, पोनी पहले, पोनी सारी, तो उन भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर कि कुछ पतंगें अब इनमें से गायब होती जाएंगी। क्योंकि हर बार आपको रुकी पतंग मिले ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके आपका जो फेस्टिवल है उसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें, और देखिए कितना बेहतरीन काम है। तो एक से एक बेहतरीन काम करके कोशिश यही है आपको दिया जाए। और देखिए दोस्तों, तो डिज़ाइनें वेरी होती रहती हैं, पर हमारे जो क्वालिटी है वो हमारी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, इस पतंग को अगर आप दूर से देखना चाहेंगे तो आपको नायाब पतंग दिखाई देगी, बहुत ही बढ़िया पतंग। और दोस्तों ये जो है, हम केवल आपके जो फेस्टिवल है या हॉबी है उसको करने के लिए दे रहे हैं। कुछ एक पतंग ये देखिए, क्लासिक, हमारे जो M+2 है उनका क्लासिक फॉर्म, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये कौवा नहीं है दोस्तों, और ना ही ये गोल शेप है, ये क्लासिक फर्मा है। और ये फर्मा कभी कभी ही बन के आता है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, वेल मेंटेन क्वालिटी इनकी, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस रेंज में। अब आपको मैं थोड़ा सा अद्धी भी इसमें दिखा देता हूँ। प्लेन जो अद्धी है, इसमें थोड़ी कम डिमांड हुई थी, इसमें फैंसी पतंगों की डिमांड थी। तो आप देखते जाइए, जो डिज़ाइंस हैं वो देखिए, क्वालिटी देखिए। और ये 6-8 महीने पुरानी पतंगों का कलेक्शन है, तो अब इनको उड़ाने में जो आपको मज़ा आएंगे वो ताज़ी पतंगों में नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइट कमान ठड्डे आते हैं। तो डिज़ाइन है आप देखिए, क्योंकि जो भी कारीगर हैं, जैसे भी थोड़ा सा भी जो बोलते हैं ना कि टूर्नामेंट टाइप का काम करते हैं, तो उनके कमान ठड्डे टाइट आते हैं। फर्मा मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन फर्मा, ना तो चौकोर, ना गोल, ना ही लंबा। तो ये इनकी पतंगे थोड़ी बहुत जो थी हमारे पास, हमने कलेक्शन के लिए दी हैं, ताकि हमारे भाइयों का भी शौक पूरा हो सके। उसके बाद ये देखिए बेहतरीन काम, एक से बढ़कर एक बेहतरीन काम। तो दोस्तों हम केवल एक कोशिश करते हैं कि सभी भाई हमारे जो हैं वो अच्छी से अच्छी पतंगबाजी करें, उड़ाएं, अपने शौक को पूरा करें, ताकि आपको भी ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी मिल जाएं। और कुछ ना कुछ डिज़ाइनें और कुछ जो होता है ना क्वालिटी, ये चेंजेस होते रहते हैं, ना फिर हमारे एंड पे बल्कि कारीगरों के एंड पे भी काम चलता रहता है। पेपर कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, देखिए जैसे हल्का सा ये जो डिफेक्ट है, हम अभी जैसे होता है ना कि ऊपर दिख जाता है तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, पर अगर नहीं दिखता तो कहीं में बीच में फंस जाता है, तो वहाँ पे हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे गलती हो गई। क्योंकि ये जो काम है वो एक होता है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम है ये, तो इधर हम जितनी भी कोशिश करें, अब आपके सामने ही है, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ गलतियाँ
पीछे से ही है इस काम में। तो इसके लिए आपको एक ही चीज़ है कि कोशिश करें अच्छे दुकानदारों से, अच्छे मेकरों से, या अच्छे जो जेनुइन काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, आप उनसे संपर्क में रहिए। अच्छी पतंगे आएँ, अच्छे मांजे हैं, आप कलेक्ट कीजिए, ताकि आपका जो त्यौहार है वो अच्छा मनाते रहिए। और जो भाई हमारे क्लब के शौकीन हैं वो आके देखें, परखें और फिर परचेज़ करें। उससे हमारे भी एक श्योरिटी होती है कि कोई जो देख के ले जाता है तो उसे ये रहता है कि कैसा ढर्रा चाहिए, कैसी पतंग चाहिए, खींचने की चाहिए, ढील की चाहिए, दूर की चाहिए, पास की चाहिए। तो उनसे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो देख परख के शॉपिंग होती है वो एक अलग होती है, और एक हमारे भरोसे पे होती है। हमें यही रहता है कि हम अपनी तरफ से बेच देते हैं, पर फिर भी 19-20 जो है वो चलता रहता है, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करने से बाकी लोगों तक भी बेस्ट पॉसिबल जो क्वालिटी है वो पहुँचाने की कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।